बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जेनिए की क्लास के अंदर लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के बारे में ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे और उसके सारे के सारे फंक्शंस जो है ना उसके ऊपर एक एक एग्जांपल की थी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम टपल और डिक्शनरी के ऊपर काम करने वाले हैं। ये दूसरी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जेनिए के अंदर। अच्छा, तो अब स्टार्ट करने से पहले ना, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिया था, होप सो सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो अब यहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम है, मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, कैसे इन चीज़ों को टैकल करना था। तो आपके सामने दोबारा से प्रॉब्लम रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास थी एक लिस्ट थी जिसके अंदर हर एक इंस्टेंस पे एक टपल पड़ा हुआ है और हर एक टपल के अंदर दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हमने क्या करना था, उन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है उनके आउटपुट आने थे, आंसर आने थे इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो आप यह देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यह हमारे पास लिस्ट थी और इस लिस्ट के अंदर हमने क्या करना था, आइट्रेट करना था। तो जो आंसर वाली लिस्ट है वो हम पहले बना देते हैं। आंसर आंसर एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, फॉर आई इन एल, ये हमारे पास एक लिस्ट आएगी। अगर हम इसको प्रिंट करा के दिखा दें तो यहाँ पर हमारे पास हर एक इंस्टेंस की जो वैल्यू है वो एक एज ए टपल की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हम इनके सारी वैल्यूज को अलग-अलग कर लेते हैं। एक वैल्यू के अंदर नम वन पहले इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, इसी तरह नम टू है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर आई का फर्स्ट इंडेक्स और आंसर के अंदर हम इस लिस्ट को अपेंड करा देंगे और मल्टीप्लाई करके हम रिक्वाइजेंगे आंसर और यहाँ पर एंड दी एंड प्रिंट करवा देंगे। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन था, जिसको हम रन करने पे हमारे पास 620, 42 और 110 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास ये जो लिस्ट है उसका अंदर आइट्रेट किया हमने और हर एक इंस्टेंस को, उसके दो दो इंस्टेंस थे, अलग-अलग किया, मल्टीप्लाई किया और एक न्यू लिस्ट में रखवा दिया। तो ये बेसिकली हमारा ऑपरेशन था। तो ऊपर से जो हमारे पास आंसर की लिस्ट आई थी इसको हमने आगे यूज़ करना था और इसके अंदर वो एलिमेंट्स निकालने थे दैट आर नॉट डिविजिबल बाय थ्री, मतलब जो थ्री के ऊपर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसको आइट्रेट करना, यहाँ पर हम इन लाइन फॉर लूप का यूज़ करेंगे जो कि एक ही लाइन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा फॉर आई इन आंसर, ये आंसर के अंदर से आइट्रेट करेगा और कंडीशन भी इसके साथ लगा देंगे, इफ आई का मोड थ्री के साथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आई थ्री पे डिवाइड ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर वो वैल्यूज आ जाएंगी जो कि थ्री पे डिवाइड नहीं होती। तो ये सिंपल सा ऑपरेशन था जो कि हमने परफॉर्म करना था और यही हमारे लास्ट क्वेश्चंस के आंसर थे। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसके बाद ना बाकी के दो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास टपल है और डिक्शनरी है। तो टपल क्या होता है, टपल जो है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमारे पास लिस्ट थी ना, लिस्ट में हमारे पास वैल्यूज को अपडेट किया जा सकता था, हम प्रिंट करा सकते थे, एक्सट्रैक्ट करा सकते थे, इसको स्लाइस कर सकते थे, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, यानी कि सारे ऑपरेशन जो है ना मोस्टली क्रड के सारे ऑपरेशन, क्रिएट अपडेट डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते थे लिस्ट के अंदर। मगर जो हमारे पास टपल है ना वो हमारे पास लिमिटेड होता है, हम इसे सिर्फ जब ये मैंने बन रहा होता है ना सिर्फ तभी उसमें वैल्यू रखवा सकते हैं। एक दफ़ा टपल बन गया ना, हम इसमें से वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं ना कोई वैल्यू डिलीट करवा सकते हैं, बस हम इसमें से वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, गेट करके उनको काउंट कर सकते हैं, उनका इंडेक्स चेक कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो टपल को हमने पहले भी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसको कैसे अपडेट कर देते हैं, टपल को अपडेट करने के लिए आपने हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करना है और इसके अंदर वैल्यू रखवा देनी 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप इसमें सिंपली लिस्ट की तरह आइट्रेट कर सकते हैं जैसे आप इंडेक्स के थ्रू आइट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है तो यहाँ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो सकती है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो सकती है, इस तरह करके आपको सोन सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसमें स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, पाँचवें इंडेक्स से लेकर आठवें इंडेक्स तक की वैल्यू, ये आप सारी वैल्यू जो है ना वो साथ साथ प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो है ना लिस्ट के देखने तक वाले यानी कि रीड करने वाले सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। मगर अगर हम इसके फंक्शंस की तरफ जाए ना तो हमारे फंक्शंस जो है ना वो काफ़ी हद तक लिमिटेड होते हैं, यानी कि काउंट का फंक्शन है और इंडेक्स का फंक्शन है। काउंट में हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पाँच जो है वो ज़्यादा दफ़ा डाल देता हूँ। ठीक है, और
अब इसके अंदर काउंट करता हूँ कि 5 कितनी दफा आया है, तो वो 5 को काउंट कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह 5 का इंडेक्स है तो वो हम फेच कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा, जो कि पहली दफा 5 अपीयर हुआ वो चौथे इंडेक्स पे हुआ है, तो वो हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन जो है ना हम एक टपल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी के अंदर आप उसकी इंडेक्स की वैल्यू के साथ साथ उसके इंडेक्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद यह है कि इसके अंदर जो आपके पास इंडेक्स वैल्यू है वो भी म्यूटेबल है। अब हम इसको इंडेक्स कहेंगे या कोई और नाम देंगे, तो डिक्शनरी के अंदर इसके लिए नाम होता है की का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसमें होती है इंडेक्स वैल्यू के बजाय की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को बनाने का तरीका आसान है, हमारे पास हमेशा इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो की होगी उसके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेट अस्यूम आप कर लेते पर्सन कर लेते, ठीक है। पर्सन की क्या एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं? पर्सन का नेम, ठीक है। और मैं अभी इसे फिल नहीं करता, एम्प्टी रखता हूँ। नेम, एज हो सकती है, उसके बाद इसका जेंडर हो सकता है, और लेट अस्यूम उसका फोन नंबर है। अब यहाँ पर एक बंदा एक से ज्यादा फोन नंबर भी रख सकता है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डिक्शनरी का यही फायदा, आप इसमें किसी भी किस्म का डाटा रखवा सकते हैं, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपने एक इंस्टेंस पे आपने जी फॉर एग्जाम्पल नेम एज जेंडर रख दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट इंस्टेंस पे गए, आपको वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एक की जो है ना आपको पता ही नहीं है, उसको फॉर एग्जाम्पल जेंडर की वैल्यू का नहीं पता या फोन की वैल्यू का नहीं पता, तो आप वहाँ पे वो की ही ना डालो तो फिर भी आप काम चला सकते हो। यानी कि एक इंस्टेंस पे आपको वो कीज रखी हुई है, दूसरे इंस्टेंस पे वो कीज नहीं है, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं आपको करने की जरूरत है। आप सिंपल की डालो, अगर आपके पास वैल्यू है तो उसकी वैल्यू रख दो, अगर नहीं है तो ना रखो, वो की भी ना रखो, चल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास की जाती है तो आप की जनरेट करो, उसके अंदर वैल्यू रखवा दो। तो ये हमारे पास एक सिंपल इस पर्सन की क्या है, एक डिक्शनरी तैयार हो गई, ठीक है। पर्सन जो है वो नॉर्मली किसी भी लिहाज से आप इसके अंदर वैल्यू जो है ना अपडेट करवा सकते हो, रखवा सकते हो और डिलीट भी करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेम है, नेम मेरे पास पर्सन है, मैं इसके अंदर रख देता हूँ वैल्यू एज एन अब्दुल्ला। एज फॉर एग्जांपल मैं इसको स्ट्रिंग टाइप में रखना चाहता हूँ, मैं इसकी जगह 27 रख देता हूँ, ठीक है। और जेंडर आपके पास मेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेकेंड इंडेक्स पे लेट अस्यूम कोई रैंडम नंबर डाल देता हूँ। ये मेरे पास दो फोन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पर्सन है, ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज है। अब मैं इसको एक्सेस करूंगा इसकी वैल्यूज को, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेम के कैच करना चाह रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर सिंपल जिस तरह मैं लिस्ट और टपल के अंदर इंडेक्स की वैल्यूज रखता था, वहां पर उसकी जगह उसकी की रखूंगा, तो यहाँ पर वैल्यूज जो है ना वो एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आप एज को एक्सेस कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली वो सारे काम हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, जिस तरह हम इसके स्ट्रक्चर को उसमें सेव करवाते थे एज अ लिस्ट और टपल के अंदर, ठीक है। अब मोस्टली अगर मुझे नहीं पता इसकी क्या कीज है, तो मैं इसके अंदर कीज का फंक्शन कॉल करके इसकी कीज का भी पता लगा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसकी कीज के साथ साथ उसकी वैल्यूज को भी एक्सेस करूँ, तो मैं सैंपल आइटम्स डालूंगा और इसके साथ मेरे पास एक लिस्ट अपीयर होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हर एक इंडेक्स इंस्टेंस पे पहले इंस्टेंस पे उसकी की होगी, दूसरे इंस्टेंस पे उसकी वैल्यू होगी। मतलब मैं इसको फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करवा के एक्सेस भी कर सकता हूँ, फॉर आई इन पर्सन डॉट आइटम्स, और प्रिंट करवा सकते हैं उसकी वैल्यूज को, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्टली हम पर्सन के ऊपर और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। सिंपली क्लियर का आपको पता है वो किस काम आता है, कि सारी वैल्यूज जो हैं वो उसकी रिमूव हो जाती हैं, डिक्शनरी की एम्प्टी एक डिक्शनरी रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसके बाद आप कॉपी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम कीज, गेट। अब ये गेट किस लिए इस्तेमाल होता है, ये स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट अस्यूम हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं,
गेट का फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि आप क्या काम करते हैं, सिंपली मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने सिंपल क्या करना है उसके ऊपर होवर करना है, आपको एक छोटी सी लाइन में इसकी डिस्क्रिप्शन समझा देंगे ये लोग, ठीक है। पर्सन डॉट गेट, इसमें इनपुट में क्या आता है, की आती है, ठीक है, और साथ एक दूसरा पैरामीटर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में नन है। अब इसका मतलब क्या है, इसने कहा है रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की इफ द की इज इन द डिक्शनरी एल्स डिफाइन डेफ, मतलब डेफ वाला फंक्शन कॉल करेगा जो भी आपने बनाया हुआ होगा डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से नेम की वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर नेम लिख दूंगा तो ये मुझे नेम की वैल्यू गेट करके दिखा देगा। लेट अस यू, मैं से एक ऐसी चीज मांगता हूँ जो कि इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, मैं इससे इसका एड्रेस मांगता हूँ कि वो कहाँ रहता है। तो अब ऊपर मुझे पता है कि मैंने पर्सन की डिक्शनरी में इसका एड्रेस साइन नहीं कराया, तो अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो कुछ रिटर्न कराए, तो मैं डिफॉल्ट वाले के पैरामीटर में, क्योंकि डिफॉल्ट में अंदर उसने नन दिया हुआ था तो नन से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, मैं यहाँ पर सिंपल एक मैसेज रिटर्न करा देता हूँ कि नॉट फाउंड, कि वो मिला ही नहीं, ठीक है। तो अगर एड्रेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सिंपल क्या करेगा, मुझे नॉट फाउंड का मैसेज दे देगा, वो कहेगा है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी जगह कोई और मैसेज भी रिटर्न करवा सकता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई रिटर्न नहीं कराता तो मैं यहाँ पर लाहौर कर देता हूँ, हालांकि लाहौर यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है जो मैंने सेट की हुई है वो भी मैं रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये गेट का फंक्शन सिंपल काम करता है। इसी तरह इसके अंदर और कौन सी ऑपरेशन है, पर्सन डॉट फ्रॉम कीज। अच्छा, फ्रॉम कीज का बहुत ही काम पे अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि हम ना इसके अंदर मल्टीपल कीज की मदद से एक डिक्शनरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका काम किस तरह का होता है, मैं इसके ऊपर सिंपली ना होवर करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है। जैसे पर्सन डॉट फ्रॉम की, ये इनपुट में एक आइटरेटेबल, मतलब आइटरेटेबल जैसे लिस्ट टपल वगैरह हो गया जिसके ऊपर फॉर लूप के थ्रू आइटरेट किया जा सकता है, तो वो होता है हमारा फॉर की में आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट है। और आइटरेटिव ऑब्जेक्ट के बाद इसका दूसरा वैल्यू है, दूसरा पैरामीटर है वैल्यू वाला, ठीक है। अभी किस तरह इस्तेमाल होता है, ये सिंपली क्या काम करता है, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, एक नई डिक्शनरी क्रिएट करता है, जो आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट में मैंने कीज दी होंगी ना, जो वैल्यूज दी होंगी उनको वो की बना देगा और उन की जो वैल्यू रखेगा वो बाई डिफॉल्ट वाली वैल्यू नन से इनिशियलाइज करा देगा। किस तरह होगा, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट अस्यूम मेरे पास एक एच नाम की डिक्शनरी है जो कि शुरू में है बिल्कुल खाली, ठीक है। मैंने इसके अंदर फंक्शन कॉल किया फ्रॉम कीज का, ठीक है, और कीज के अंदर मैंने एक आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट करा है जिसके अंदर नेम एज जेंडर, ठीक है। नेम एज जेंडर के नाम से एक एम्प्टी एक डिक्शनरी बनेगी जिसके अंदर कीज होंगी नेम एज जेंडर, तो नेम की भी एक वैल्यू होगी जो कि ओरिजिनली क्या कहलाएगी, नॉट फाउंड, फिर एज की भी और जेंडर की भी, हर एक वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं उसको अननोन भी कह सकता हूँ, मैं उसको नॉट फाउंड से इनिशियलाइज करा सकता हूँ, या मैं सिंपल इसको नन भी कह सकता हूँ। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिक्शनरी इनिशियलाइज हो गई जिसमें नेम एज जेंडर है और इसकी वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज होगी नन 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 से, ओके। इसी तरह मैं इसके साथ कुछ और वैल्यू भी डाल सकता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हर एक मैसेज के साथ आई डोंट नो भी लग सकता है, ठीक है। और जो भी आप वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं, लेट अस्यूम एम्प्टी स्ट्रिंग, देन दैट कुड बी आल्सो डन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे पर्सन है, अब इसके अंदर और कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है आइटम्स, आइटम्स हमने चेक कर लिया है, गेट का भी हमें पता चल गया है, कॉपी का आप सबको आइडिया है पहले से कि कॉपी जो होती है वो एक कॉपी बाय रेफरेंस होता है, जो कि हम फॉर एग्जांपल सिंपल बगैर कॉपी का फंक्शन के लिए कि हम कॉपी करते हैं, वो एक्चुअल में एड्रेस कॉपी होता है, वो उसकी वैल्यूज कॉपी नहीं होती, और जब हम कॉपी का फंक्शन कॉल करके करते हैं तो एक्चुअली उसकी वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है। तो ये वही काम जो लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो हमारे, ओके जी। उसके बाद हमारा पॉप वाला फंक्शन है, पॉप वाला फंक्शन सिमिलर लिस्ट की तरह ही काम करता है, मतलब इसके अंदर हम इंडेक्स की बजाय उसकी की डालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्सन नाम की डिक्शनरी थी, ठीक है, एक और सेल बना लेते हैं, पर्सन
पर्सन नाम की हमारे पास जो डिक्शनरी थी उसके अंदर हमारे पास वैल्यू थी नेम, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें थी। मैं इसमें से फॉर एग्जांपल जो फ़ोन वाली है उनको मैं निकालना चाहता हूँ। तो पॉप आपको जैसे पता है जैसे लिस्ट के अंदर हम काम करते थे ना, हम एक लिस्ट में से एक वैल्यू निकालते थे तो वो क्या करता था, मैं वो वैल्यू रिटर्न करा देता था और लिस्ट के अंदर से वो वैल्यू रिमूव कर देता था। तो सिमिलर काम यहाँ पर भी है, आपने सिंपल वो की जो है वो इसके अंदर पास कर देनी है। तो वो इस पर्सन वाली डिक्शनरी में से मैं इसे कहते हैं रिमूव्ड रिमूव्ड आइटम, तो वो इसके अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं जी फोन नाम की इसके अंदर नहीं मौजूद। ओके इधर, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन के साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस भी है, तो हम सिंपली यहाँ पर स्पेस डाल देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे डाल गई। चले जी अब ये रन हो गया रिमूव्ड आइटम। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो वैल्यू फ़ोन की थी वो मेरे पास रिमूव होके आ गई है, जबकि मैं पर्सन को चेक करूँ तो वहाँ से फ़ोन की जो की थी वो रिमूव हो गई है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू थी वो भी रिमूव हो गई, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। ठीक हो गया, अब उसके बाद चलते हैं हम इसकी वैल्यूज की तरफ। वैल्यूज क्या करता है, लेट अज्यूम आप कीज हासिल नहीं करना चाहते आइटम्स के थ्रू, तो हमारे पास कीज और उसकी वैल्यूज दोनों दोनों आ जाती थी ना। तो अब लेट अज्यूम हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज जो है सिंपल उसकी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, मतलब नेम की वैल्यू आ जाए, एज की वैल्यू आ जाए, जेंडर की वैल्यू आ जाए, मगर उसके साथ उसकी की ना आए। तो अगर आप वैल्यूज के फंक्शन को सिंपली कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, जो वैल्यू होगी यानी कि नेम की वैल्यू जैसे अब्दुल्ला थी और ये इसकी एज की वैल्यू थी और ये उसकी जेंडर की वैल्यू थी, तो ये सिंपली क्या होगा, सिर्फ यही प्रिंट हो जाएंगी, बाकी प्रिंट नहीं होंगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं इसके बाकी के फंक्शन जो हमारे पास रह गए हैं पॉप आइटम के। अच्छा पॉप आइटम का काम क्या रहता है, एक तो होता है ना सिंपल आपने उसमें की डाली वो उसने हमें उसकी वैल्यू जो है ना पॉप करके दे दी। अब पॉप आइटम करने से क्या होगा, देखिए जी जब भी आइटम की बात की जाएगी ना तो आइटम में वैल्यू तो आएगी ही आएगी, साथ उसकी की भी आ जाएगी। तो मतलब अगर आप सिंपली उसकी वैल्यू पॉप करना चाहते हैं तो आप उसकी की डालेंगे वैल्यू पॉप हो गई, अगर आप उसकी की भी साथ पॉप करना चाहते हैं मतलब पॉप करते हो खाली वैल्यू ना आए, यहाँ पर तो हमारे पास जब हमने पॉप का फंक्शन कॉल किया था तो हमारे पास रिमूव्ड आइटम के अंदर उसकी वैल्यू आई थी ना। यहाँ पर अगर मैं दोबारा प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फ़ोन की वैल्यू आई थी, फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन जो कि की का नाम है वो नहीं आया था। अब हम पॉप आइटम का बटन दबाते हैं और पॉप आइटम का कॉलिंग करते हैं, मैं दोबारा से इसको रीसेट कर देता हूँ और अब मैं पॉप आइटम करता हूँ, मगर पॉप आइटम कहता है कि मैं इनपुट में कुछ भी नहीं लूँगा, मतलब ये इनपुट में किसी की का नाम नहीं देता, वो लीफो के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आखिरी वाला जो की है, आखिरी वाला की जो कि फ़ोन है उसको वो निकालेगा, उसकी की भी निकाल के देगा और उसकी वो भी निकाल के देगा वैल्यू। तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखें अब मैं आइटम को प्रिंट कराऊँगा तो मुझे की भी मिलेगी और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी मिलेगी। तो ये फायदा है हमारे पास पॉप आइटम का पॉप की बजाय। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास और कौन सा फंक्शन है जो कि डिक्शनरी का हम ऑपरेट कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप सो सारे फंक्शन जो है ना वो अभी कवर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, सारे फंक्शन जो है ना वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी अब नेक्स्ट जो है हम एक चैलेंज की तरफ चलते हैं जो कि आपने परफॉर्म करना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको एवेलुएट करूंगा। यहाँ पर आप इस चैलेंज को ज़रा गौर से देखें क्योंकि इसके अंदर टपल, लिस्ट और डिक्शनरी सारे की सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूडेड है। जैसा कि आपके पास है कॉम्प्लेक्स डेटा मैनिपुलेशन जिसमें यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, अब आपके पास ये डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिस नाम के एक लड़के का डेटा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज है, और बॉब है, चार्ली है, डेविड है, अब ये सारी एज अ टपल की फॉर्म में स्टोर हुई है एक लिस्ट के अंदर, और इसके पहले इंस्टेंस पे क्या है एक नाम है और दूसरे इंस्टेंस पे क्या है एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर उनके मैथ, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका टास्क ये है कि प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करे एवरेज स्कोर हर स्टूडेंट का। अब सब्जेक्ट चूंकि तीन है और आपने तीन वैल्यू को जमा करके तीन पे डिवाइड करना है तो आपके पास क्या होगा, इनके एवरेज स्कोर आ जाएगा। तो ये आपने ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना है।
ठीक है, फाइंड द टॉप स्टूडेंट ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के आपने टॉप स्टूडेंट को निकालना है। ठीक है, अब देखें जी, राइट, जो प्रोग्राम है वो इस तरह है कि जी आपने आउटपुट में मैथ का स्टूडेंट निकालना है, इंग्लिश का और साइंस का स्टूडेंट निकालना है जो कि उसमें टॉपली परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों के मैथ के मार्क्स, यानी कि चार बच्चे हैं ना, चारों के मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और साइंस के मार्क्स, और इनको सॉर्ट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू देयर हाईएस्ट ग्रेडिंग। ठीक है, जिसका ग्रेड सबसे ज्यादा हाई होगा मैथ में या इंग्लिश में या साइंस में, तो उनको क्या कर देंगे हम, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उनसे निकाल के बता देंगे जी एलएस के मैथ में ज्यादा है, सॉरी जैसे बॉब के नहीं, चार्ली के मैथ में ज्यादा है सबसे, 95 है, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा वो भी चार्ली के हैं, और साइंस में सबसे ज्यादा 92 है जो कि एलिस के हैं, तो एलिस ने सबसे ज्यादा साइंस में लिया। तो ये आपने ना कोड को परफॉर्म करना है, इसी तरह सॉर्ट करना है स्टूडेंट को एवरेज स्कोर की बेस पे। तो जारी बात है, अब आपके पास एवरेज स्कोर तो ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो इसकी बेस पे आपने सॉर्ट करना है कि किसकी एवरेज सबसे ज्यादा है। तो चार्ली की एवरेज सबसे ज्यादा है जो कि आपने बताना है, अब उसके बाद बॉब है, फिर एलिस है, फिर डेविड है, और फिर इसी तरह कन्वर्ट करना है इनको एज अ डेटा, डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम जो कि सॉरी डेटा इनटू अ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज इस तरह होती है कि आपके पास एक पूरी डिक्शनरी, उसके अंदर बाकी की डिक्शनरीज होंगी, लिस्ट टपल का यूज नहीं करना। ठीक है, तो वो इस तरह की डिक्शनरी बनेगी। ठीक है, अब ये सारे का सारा काम जो है ना, ये आपने परफॉर्म करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी वैल्यूएशन की जाएगी और इससे आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने परसेंट ये चीज़ें जो है वो करनी आ गई हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।